हेलो गाइस, नमस्कार। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सैम मैम एवं गंभीर बच्चों का अल्प वजन कैसे निकालें, वजन के अनुसार बच्चों का वजन कैसे निकालें, सैम मैम बच्चे कैसे निकालें, तो ये सब वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो को प्लीज़ देखते रहें और लाइक शेयर ज़रूर कर दें। जैसे कि हम यहाँ पे आपको बता दें, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाल बटन वाले सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके बेल वाली आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए हम आपको सीधे आपको वीडियो पर ले चलते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, कई नाम आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, तो कैसे हमने बच्चों का वजन और कैसे हम बच्चों का सैम मैम हमने निकाला है, तो ये हम आपको सब बताएंगे। प्लीज़ वीडियो को आप देखते रहें लास्ट तक, बिना स्किप किए लास्ट तक देखें कैसे आपको सैम मैम निकालना है। सबसे पहले तो आपको अपने बच्चे का नाम, पिता का, माता का नाम लिख लेना है। उसके बाद लिंग यहाँ पे डाल लेना है, लड़का है या लड़की। उसके बाद आयु वर्ष माह लिख लेना है। फिर विधि निगरानी माप लिखें, यानी वजन और लंबाई। आपको वजन और लंबाई लिखना है। जैसे आपने बच्चे का वजन किया तो वजन यहाँ पे आपको दर्ज करना है। किसी बच्चे का एक वजन आप यहाँ से ले लीजिए। उसके बाद यहाँ पे उसकी ऊंचाई पहले दर्ज कर लेना है, लंबाई या ऊंचाई जैसे भी आप नापते हो उसको, दोनों को दर्ज कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे चेक करना है जो ये वजन है और ये लंबाई है। तो वजन आप बिना चार्ट के नहीं चेक कर सकते हो कि बच्चा सामान्य में है या कुपोषित में है या अल्प कुपोषित या गंभीर में है। इसी तरह ऊंचाई आपको बिना चार्ट के आप ऊंचाई भी नहीं पता लगा सकते कि बच्चे सैम मैम में हैं या सामान्य में हैं। और यहाँ उसके बाद आपको शारीरिक और मानसिक विकलांग में आपको नहीं नहीं भर देना है। अगर आपका बच्चा आपके केंद्र पर कोई बच्चा अगर हो विकलांग में तो उसको विकलांग डाल दीजिए, वह शारीरिक रूप से है या मानसिक रूप से, ये आप डाल दीजिए। तो चलिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको अपना चार्ट निकाल लेना है, वजन चार्ट और एक सैम मैम का चार्ट जो आपको मिला होगा इस तरह का, जैसे कि यहाँ पे हम आपको दिख, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये जो है कॉलम, साफ नहीं दिख रहा है, इसमें जो चार्ट है ये चार्ट है वजन बच्चों का, वजन चार्ट है। इसमें आपको बच्चे का वजन दिखेगा। एक तरफ आपका यहाँ पे लड़कियों का है पिंक, लड़कियों के लिए वजन की ग्रह में पिंक कलर दिख रहा है ऊपर, और यहाँ पे ब्लू कलर का दिख रहा है लड़कों के लिए। तो ये आपका दोनों है, मध्यम अल्प मॉडरेट अंडरवेट और सीनियर अंडरवेट दोनों है, अल्प वजन और गंभीर वजन, मध्यम वजन दोनों। तो यहाँ पे चार्ट जैसे आपको वजन निकालना है तो वजन के लिए पहले सबसे बच्चे की आपको यहाँ पर साल देखना पड़ेगा। यहाँ पर आपको अपने बच्चे की उम्र माह और देखना है कि बच्चा कितने उम्र माह का है। जैसे कि यहाँ पे आप कोई बच्चा आप एक ले लीजिए कि आपके बच्चे की उम्र जो है एक वर्ष चार माह है, एक साल चार माह का बच्चा है। तो यहाँ पे आपको वजन उसका और वजन आपको तालिका से वहाँ से देखना है उसका कितना वजन है। जैसे आपका बच्चा, चलिए मान लेते हैं आपका बच्चा है चार वर्ष तीन माह, यहाँ पे चार वर्ष तीन माह आपका बच्चा है और उसकी वजन है, उसका वजन आपको मान के चलना है। जैसे आप अगर बच्चे का वजन चार वर्ष तीन माह है तो चार वर्ष तीन माह का बच्चा है उसका वजन 13 किलो है। तो आपको इस कॉलम में जो है लड़का है तो आपको इस कॉलम में आना है, यहाँ पे आपको देखना है इस कॉलम में चार वर्ष तीन माह का बच्चा है तो यहाँ पे आप 13 किलो देखेंगे। यहाँ 13 से लेकर 13.1 से लेकर 16 तक अगर वजन उसका है तो वो फर्स्ट ग्रेड यानी सामान्य में आता है, हरा में आता है सामान्य ग्रेड यहाँ पे। और 13 ही किलो है, अगर 13 के बाद उसका 100 ग्राम 200 ग्राम बढ़ा हुआ है तो वो फर्स्ट में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे दिख रहा है चार वर्ष तीन माह के सामने आप देखिए, यहाँ पे सेकेंड ग्रेड में उसका जो है, अगर हम बता रहे हैं कि अगर उसका 13 किलो है वजन तो 13 किलो आपको यहाँ पे दिख रहा है, चार वर्ष तीन माह है तो 13 किलो, सिर्फ 13 किलो उसका वजन है। तो 13 किलो 100 ग्राम में आता है वो, तब भी वो पीले में कुपोषित यहाँ से आता है। और 13 से नीचे उसका वजन है 11 किलो तक, 11 साढ़े 11 किलो तब भी वो पीले में आएगा। और अगर 11 से भी नीचे उसका वजन चला जाता है, चार वर्ष तीन माह का है और 11 से वजन कम चला जाता है तो वो हो जाएगा लाल कुपोषित में, इधर 11.5 से लेकर वो कुपोषित में आ जाएगा।
तो हमने 13 किलो वज़न उसका बोला था, 13 किलो वज़न जो है यहाँ पे बच्चे का, यहाँ पे देख लीजिए 13 किलो वज़न उसका आ रहा है पीले में, यानी 11 से लेके 13.1 तक जो बच्चा है पीले में आ रहा है उसका वज़न, तो वो पीला कुपोषित हुआ यानी अल्प वज़न बच्चा हुआ। इसी तरह हम आपको एक और बता देते हैं, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे आपका बच्चा 3 वर्ष 1 माह का है, ये यहाँ पे 3 वर्ष 1 माह दिख रहा है, 3 वर्ष 1 माह का बच्चा है, उसका अगर वज़न है वो 11 से लेकर 14 तक है तो वो फर्स्ट ग्रेड में आ जाएगा। वज़न उसकी वज़न करके आप लिख के रखना है बच्चे को, इस तरह आपको यहाँ से बस चेक करना है, चेक करके आपको वहाँ से लिख देना है कि सामान्य में है या कुपोषित में या अल्प। तो यहाँ पे अगर बच्चा 11.4 से लेकर 14 तक, 15-16 उसके ऊपर 17 तक हो जाता है, कोई कोई वज़न बहुत ज़्यादा होता है बच्चों का, तो वो हरा में ही आएगा सामान्य में। और उसके बाद जब वो 11, 11.5 से उसकी वज़न नीचे जाती है, 11.5 से नीचे है कम है, और 10 के 11 से 10 के और 11 के बीच 11.5 के बीच उसका वज़न है, तो वो जाएगा पीले में। और अगर 10 से भी नीचे आ जाता है वो, तो आ जाएगा उसका लाल में वज़न आ जाएगा। तो इस तरह आप उसका वज़न निकाल सकते हैं ग्रेड। चलिए अब हम आपको सैम मैम दिखा देते हैं, सैम मैम कैसे निकालना है। तो ये सैम मैम का चार्ट आपको दिख रहा है सामने, इस तरह करके आप लड़कियों का इधर चेक करेंगे और लड़कों का उधर। आप लड़कियों का बाएं साइड है और लड़कों का दाहिने साइड में है। तो जैसे कि आप बच्चे का वज़न वहाँ पे निकाली हैं, उसकी उम्र और वो, तो यहाँ पे वज़न वही लगेगा, बच्चे का वज़न वही आपको वहाँ से उठाना है। आपको देखना है उसकी लंबाई कितनी है। अब आपको यहाँ सैम मैम निकालना है तो सबसे पहले बच्चे की लंबाई देखना है। मान लिया बच्चे का वज़न है 13 केजी, हमने 13 केजी बताया, मान लिया बच्चे का वज़न है 13 किलो और उसकी लंबाई है 94 सेंटीमीटर है। जैसे बच्चे का वज़न 13 किलो है और उसकी लंबाई है 94 सेंटीमीटर, तो हम 94 सेंटीमीटर यानी पता लगाएंगे इसमें 94 सेंटीमीटर। पहले लंबाई बच्चे की यहाँ से पता लगाएंगे कि इसमें लंबाई बच्चे की कहाँ पे है, 94 सेंटीमीटर लंबा है बच्चा तो कहाँ पे दिख रहा है। एक चार्ट ये हम आपको दिखा देते हैं, ये है इसमें पूरा। तो जैसे कि हमने बोला कि बच्चे की उम्र 4 वर्ष 3 माह है और वो उसकी लंबाई 94 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे हमें ढूंढना है 94 सेंटीमीटर, यहाँ पे बच्चा आ रहा है 94 सेंटीमीटर, ये यहाँ पे। तो 94 सेंटीमीटर का अगर लड़का है, उसकी लंबाई, लड़के की लंबाई 94 सेंटीमीटर है और उसका वज़न 13 किलो है, तो 13 किलो यहाँ पे देखना है 11.8 से 16 पॉइंट तक अगर उसका वज़न है, 11 से 16 किलो उसका वज़न है, 11 से लेकर 16 किलो 300 ग्राम तक उसका अगर वज़न यहाँ पे दिख रहा है वो सामान्य में आएगा। लेकिन 13 अगर वज़न है उसका तो वो भी सामान्य में आएगा, क्योंकि 11 से लेकर 16 तक का अगर वज़न है तो 13 तो बीच में आ रहा है इसके, तो वज़न उसका यही सामान्य में आएगा। इसी तरह लड़कियों का आपका देखना है, अगर 4 वर्ष 3 माह लड़की है, उसकी जो है लंबाई 94 है, तो आपको इधर आना है, इस साइड में आना है, 94 सेंटीमीटर है। अगर उसका वज़न 12 केजी है, अब आपको 12 केजी देखना है कि उसका वज़न 12 किलो है तो वो कहाँ जा रही है, देखना आपको 94 के सामने ही है। तो यहाँ पे अगर 94 सेंटीमीटर लड़की की लंबाई है और उसका वज़न है 13 किलो, तो 13 किलो 11 से 16, तो ये भी समान में आती है मैम में, यानी कि समान में आई। अगर उसका वज़न वो 10 से 11.5 के बीच है तो वो पीले में आ जाएगी, और अगर 10 से कम है, 10.5 से, तो वो इसमें चला जाएगी, सैम में चली जाएगी। तो इस तरह आप वहीं सैम मैम इस तरह करके आप टिक कर सकते हो। बस आपको यही चार्ट देखना पड़ेगा। जैसे 87 सेंटीमीटर लंबाई है, उसका वज़न है बहुत कम है, उम्र के अनुसार उम्र उसकी ज़्यादा है और वज़न बहुत कम है, मान लो उसका वज़न है वो 87 सेंटीमीटर की लंबी है, 4 वर्ष 4 माह की बच्ची है, और उसकी उसका वज़न 9 किलो है, तो 9 किलो से कम अगर है तो लाल में आएगी यानी सैम में आएगी। अगर 9 किलो 200 ग्राम से ऊपर है, 10 किलो तक लगभग, तो वो पीले में आएगी, और अगर वो 10 से ऊपर है तो वो जाएगी सामान्य में। तो इस तरह करके बच्चे की मतलब आप सैम मैम की पहचान कर सकते हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना एवं शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।